गुड मॉर्निंग बच्चे, मेरा नाम शर्जा सिंह है। मैं सगो बरवे मनपा माध्यमिक शाला कुरला मैं साइंस की शिक्षिका हूँ, साइंस पढ़ाती हूँ। आज आप लोगों को साइंस 2 का 15वां चैप्टर, जिसका नाम है सजीवों की जीवन प्रक्रिया, वो पार्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ। और आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिए और देखिए, यहाँ पे ये आपका पेज नंबर जो साइंस में 163 पेज नंबर है, उस चैप्टर का नाम है, ये विभाग 2 में आता है, साइंस 2 में 15वां चैप्टर, जिसका नाम है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, या सजीवन में जो भी जीवन प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहले तो पाठ का जो नाम है उसी में आपको उसका अर्थ समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है आज। सजीवों में जीवन प्रक्रियाएं, सबसे पहले बात तो आप सभी को पता, आप सब लोग कभी 9th में पढ़ते हो कि सजीव का मतलब क्या होता है। सजीव मतलब लिविंग थिंग्स, और ये सजीव कुछ भी हो सकता है, प्राणियां हो सकती हैं, वनस्पति भी हो सकते हैं। प्राणियों के अंतर्गत हम सभी आते हैं, ऐसे प्राणी जो मतलब उनके ये 4 पैरों वाले, 2 पैरों वाले, कीड़े मकोड़े, जमीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, ये सभी प्राणी हैं और ये भी सजीव हैं। और उसके अलावा बहुत सारी वनस्पतियां, इनका भी सभी वनस्पतियों का समावेश भी सजीवों में ही किया गया। तो जीवन प्रक्रियाएं पढ़नी है हमें सजीवों की, तो सबसे पहले हम जीवन प्रक्रियाओं का अर्थ समझ लेते हैं। जीवन प्रक्रिया सभी सजीवों में होती है, अगर ये प्रक्रियाएं ना हो तो जीवन भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो प्रक्रियाएं ही, इनके द्वारा ही जो सजीव हैं वो अपने शरीर को सुचारू रूप से रख पाते हैं। सभी जो उनकी क्रियाओं के द्वारा ही अपना अन्न भरण पोषण, ये सारी चीजें उनके अंतर्गत हो पाती हैं जीवन प्रक्रियाओं के द्वारा। जैसे मनुष्यों में हमारे भीतर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं शरीर के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारा शरीर, सबसे पहले तो हम श्वसन करते हैं, ये भी एक जीवन प्रक्रिया है। इसके अलावा हम श्वसन करने के बाद भरण पोषण जिसे कहते हैं, हम खाना खाते हैं, यानी वो प्रक्रिया पोषण कहलाती है। उसके बाद उत्सर्जन आता है, प्रजनन आता है, ये सारी जो जीवन प्रक्रियाएं हैं ये सजीवों की हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राणियों की, जो कि आप पहले 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हो, पर जो इस पार्ट में हम दोनों पढ़ने वाले हैं, प्राणियों की भी जीवन प्रक्रियाएं पढ़ने वाले हैं और वनस्पतियों की भी जीवन प्रक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करेंगे वनस्पतियों के जीवन प्रक्रियाओं से। यहाँ पर वनस्पतियों की जीवन प्रक्रियाएं, जो मूलभूत प्रक्रियाएं हैं, वो तो सभी प्राणियों और वनस्पतियों में सेम ही होती है, एक ही तरह से होती है, पर यहाँ पर फिर भी कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो भिन्न है एक दूसरे से, और उन्हें ही हमें यहाँ पर समझना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम वनस्पतियों की जीवन प्रक्रियाओं की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम आता है यहाँ पर परिवहन, परिवहन। उसके बाद में आता है पानी का, जो परिवहन के भी प्रकार हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो संवहनी ऊतक हैं वो कैसे परिवहन करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर शुरुआत, थोड़ा याद करें जो हमने रिविजन के तौर पर आप ले सकते हैं इनसे। जैसे पाचन संस्थान, पाचन जिसे पाचन तंत्र भी कहते हैं, पाचन तंत्र में क्या होता है, हमारा मुंह होता है, ईसोफेगस, हमारी पेट होते हैं, आंतें होती हैं जहाँ पर छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब होता है, और यहाँ पर फिर वो पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसी तरह से हर एक प्रक्रिया का एक ये होता है प्राणियों में, वनस्पतियों में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रक्रिया के लिए कोई अलग से तंत्र हो ही, बिना तंत्र के भी वहां पर प्रक्रियाएं होती हैं। तो अगर इनका जैसे कार्य है चलता है तंत्रों के द्वारा, तो वनस्पतियां अपना कार्य कैसे करती हैं, लाइक मानव शरीर द्वारा पाचन किया हुआ अन्न फेफड़ों द्वारा पूरे शरीर में, और श्वसन की गई ऑक्सीजन जो है वो भी पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है, और शरीर ही नहीं बल्कि शरीर के भीतर जो उपस्थित सभी कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं में ये सारी ऑक्सीजन, यानी जो श्वसन करने के बाद हम ग्रहण करते हैं, और साथ ही साथ हम अन्न ग्रहण करते हैं, तो उसका पोषण, हमारे शरीर के
हर एक कोने तक पहुंचाया जाता है। ऐसा होता है क्या कि हम खाना खाएं और हमारे शरीर में सिर्फ हाथ को पोषण मिले, पैरों को पोषण मिले या सर को? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इक्वली वो पूरे भाग में वो क्या होता है, पोषण पहुंचाता है। और इसका अध्ययन हमने पहले किया, हम पढ़ चुके हैं 8वीं में। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल देख सकते हो कि कुएं तथा बांधों के पानी को नहरों से किसान जो खेत तक पहुंचाने का काम करता है, ये भी एक तरीके का वैसे ही हुआ कि ऐसी कोई कोशिका है या ऐसा कोई सिस्टम है जो एक चीज को शरीर के, भले वो प्राणी का शरीर हो या वनस्पतियों का, एक हिस्से से लेकर सभी हिस्सों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है ये करते हैं। और मनुष्य के पाचन संस्थान द्वारा जो ग्रहण किया गया भोजन है, जब उससे हमें पोषण मिलता है तो उसका रूपांतरण जो है वो ऊर्जा में हो जाता है। और साथ ही साथ यह ऊर्जा जो है वो ऑक्सीजन रक्त द्वारा, जो संपूर्ण रक्त में जो होता है वो ऑक्सीजन घुल जाता है। और हमें पता है कि हमारे शरीर के हर हिस्से में रक्त का प्रवाह 24 घंटे निरंतर होता रहता है। और वो रक्त के द्वारा वो जो ऑक्सीजन होता है वो शरीर के हर एक हिस्से में पहुंच जाता है। तो ठीक इसी तरह से जैसे हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी रक्त परिवहन या रक्त संचरण जिसे कहते हैं, और साथ ही साथ भोजन करने की प्रक्रिया जो होती है जिससे पोषण हमारे शरीर को मिलता है, या फिर हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के द्वारा ली गई जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त रक्त के द्वारा पहुंचाई जाती है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये नहीं होता है कि ब्लड सर्कुलेशन या फिर पाचन या अन्य कोई प्रक्रिया, यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वो है परिवहन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स या फिर वनस्पतियों में परिवहन जो होता है वो क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं ये आपके लिए हैं कि जैसे हम फल व हरी सब्जियां खाते हैं क्यों, और उसके साथ ही क्या वनस्पतियों को भी हमारी तरह खनिजों की आवश्यकता होती है? जैसे हमारे अगर हम एक संतुलित भोजन की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है? विटामिन आता है, प्रोटीन आता है, खनिज भी आता है। खनिज यानी मिनरल्स जो जिसकी आवश्यकता आपको है, तो क्या वैसे ही आवश्यकता वनस्पतियों को भी है? तो इसका उत्तर है हाँ, उन्हें भी आवश्यकता पड़ती है इन सभी पोषक तत्वों की, जो कि शरीर की सभी जीवन प्रक्रियाएं को उस सुचारू रूप से करने के लिए उसमें सहायता करते हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर और एक प्रश्न पूछा गया है आपको कि वनस्पतियों को कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अकार्बनिक पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? तो वो कहाँ से मिलते हैं? जैसे हम पौधों को सिंचाई करते हैं, पानी डालते हैं, तो उनकी जड़ें कहाँ होती है? जमीन में होती है। तो जमीन में से वो क्या करते हैं, जो अन्य अकार्बनिक पदार्थ है जिनकी आवश्यकता उन्हें है, वो उस मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी आवश्यकता उन वनस्पतियों को होती है। तो वो उन पदार्थों को, उन आवश्यक पदार्थों को, उन वनस्पतियों की जो जड़ें होती हैं वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सजीव की जो कोशिकाएं होती हैं उनके उनका जो सबसे छोटा भाग होता है वो ऊतक होता है, और इन्हीं जड़ों के अंदर ऊतक जो रहते हैं उनके, वो ऊतक उन सभी आवश्यक घटकों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। और उनके अंदर संवाहिनियों द्वारा, संवाहिनियों मतलब एक तरह से मैसेंजर कह सकते हैं आप लोग, कि वो एक जगह से दूसरे स्थान तक संदेश या फिर जो भी आवश्यक तत्व है वो उन्हें पहुंचा देता है। यहाँ पर संदेश नहीं है, यहाँ पर आवश्यक तत्वों की बात कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से जो अन्य अकार्बनिक पदार्थ है वो उन्हें जमीन से या मिट्टी से मिल जाते हैं, या फिर हम कृत्रिम या प्राकृतिक खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनके लिए। जैसे वनस्पतियों या फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के खादों का, और बहुत सारी जो आजकल दवाइयां आ गई हैं जो पौधों पर छिड़काव करते हैं, उनकी उनकी जड़ों में उनको डालते हैं, ये सभी जो खनिज पदार्थ सॉरी जो ये मिनरल्स जो है, जो खनिज चाहिए उनको, वो सभी उस खादों में रहते हैं जिसके द्वारा वो उन पौधों पर छिड़काव करने से या उनकी जड़ों में छिड़काव करने से वो उन्हें अवशोषित कर लेती हैं और पौधे के हर एक हिस्से तक उन्हें पहुंचा देती है। तो यहाँ पर परिवहन का
जो ये बेटर एग्जाम्पल है ये आपने देख लिया, इससे आप समझ सकते हैं कि परिवहन का अर्थ क्या है। यहाँ पर अब बहुसंख्यक प्राणी जो बहुत सारी प्राणी जो हम सभी क्या करते हैं, हलचल करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, परंतु वनस्पतियां ऐसा कर सकती हैं क्या? नहीं, वो एक ही स्थान पर रहती हैं और मतलब उनकी जड़ें एक जगह पर स्थित रहती हैं। जमीन पर तो जितनी भी वनस्पतियां हैं वो सारी की सारी रहती हैं और वो उनकी जड़ों के द्वारा जमीन से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। और इनके शरीर में जो अनेक मृत कोशिकाएं होती हैं, प्राणियों की तुलना में वनस्पतियों की ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि हम परिवहन करते हैं या संचलन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, हम विभिन्न कार्यों को करते हैं जिसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वनस्पतियों को ऐसा नहीं करना होता है, वो एक ही जगह पर एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं, वो ना ही ट्रेवल करते हैं, ना ही कोई हलचल करते हैं, ना ही कोई मूवमेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, इससे उन्हें भोजन या फिर पोषण की आवश्यकता भी कम पड़ती है। और वनस्पतियों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, ये जितने भी खनिज पदार्थ हैं या अकार्बनिक पदार्थ हैं, इन सभी की आवश्यकता उनको होती है। और इन पदार्थों का जो सबसे नजदीक का जो स्रोत है, वो समृद्ध स्रोत क्या है? जमीन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितनी भी वनस्पतियां हैं वो प्राथमिक पोषण अपना मिट्टी से या जमीन से ही प्राप्त करती हैं, क्योंकि हमारी जमीन इतनी अधिक उपजाऊ है और इतनी अधिक उसके अंदर तमाम खनिजों का समावेश है, तमाम खनिज उसके अंदर सम्मिलित हैं। तो उन सभी खनिजों को, जिनकी भी आवश्यकता सभी वनस्पतियों को पड़ती है, उनकी जड़ें उन्हें अवशोषित कर सभी पेड़ों के जो विभिन्न हिस्से होते हैं विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं। और ये सब कार्य कौन करता है? जलवाहिनियां, जल का, तथा रसवाहिनियां, अन्न का। दो ऊतक होते हैं जिसे जलवाहिनी और रसवाहिनी नाम दिया गया है। जलवाहिनी जो है वो सिर्फ पानी का परिवहन करते हैं, जैसे कि अगर किसी पौधे को सींचा जाए, पानी अगर उसमें सींचा जाए, पानी डाला जाए, तो जो जड़ों के अंदर जो रसवाहिनी है, जो ऊतक है, जो रसवाहिनी है, रस यानी, वो सिर्फ और सिर्फ पानी को संचलित करेगी या पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या पानी को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और ये जो रसवाहिनियां हैं ये इनका हो गया। उसके बाद होती हैं जलवाहिनियां, और दूसरी ये जिनकी बात कर रहे थे वो जलवाहिनी थी। और रसवाहिनियां हैं जो वो पोषण, जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर हमने देखा, सोडियम देखा, मैग्नीज देखा, नाइट्रोजन देखा, फॉस्फोरस देखा, ये सभी जो अकार्बनिक पदार्थ हैं जो वनस्पतियों को पोषण के लिए तथा भोजन के लिए आवश्यक हैं, ये उन्हें क्या करती हैं? जड़ों में पहले तो अवशोषित करती हैं, उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये इन्हें पहुंचा देती है। यानी जो पौधे का विभिन्न हिस्सा है, चाहे वो पत्ता हो, तना हो, या उनकी अन्य हिस्से हो, शाखाएं हो, वो सभी हिस्सों में उन पोषण को या उस अन्न को पहुंचाने का कार्य करती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वनस्पतियों में जो पानी का वाहन होता है, वैसे आप लोग एक चीज ये ध्यान दीजिए कि करें और देखें कि जो भी हिस्सा है आपकी बुक से, ये इसको इस साल नहीं पढ़ना है, जो भी ये बॉक्सेस ने दिए, थोड़ा सोचिए या फिर करें और देखें, डेट बाय ये सब नहीं करना है, नहीं देखना है। इस साल के लिए ये सिलेबस से ओमिट किया गया है, पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ। उचित पौधा, जैसे यहाँ पर गुलमेंदी या रजनीगंधा जैसी छोटी वनस्पतियां, उनको जड़े सहित लें और इन जड़ों को स्वच्छ धोएं, तथा आकृति में दिखाए अनुसार सेफ्रानीन या फिर इओसिन के रंजक द्रव्य मिलाए हुए पानी में रखें। सेफ्रानीन और इओसिन ये एक रंजक द्रव्य है, रंजक द्रव्य यानी ये एक तरह का कैटलिस्ट का काम करता है, और ये 2 से 3 घंटों के पश्चात वनस्पतियों के तनों तथा उनकी पत्तियों की शिराओं का निरीक्षण कीजिए। क्या होता है यहाँ पर आप आकृति में देख सकते हैं कि जो लाल रंग की शिराओं का जो कलर है वो बदल जाता है, जब पहले हरे रहती है वो लाल हो जाती है। तना है, बीकर है, इओसिन का विलयन है यहाँ पर, जो यानी
हमें स्वच्छ पानी जो है वनस्पतियों में पहुंचेगा तो उनका जो विकास है वो भी अच्छी तरीके से होगा, मतलब एक अच्छा पौधा उत्पन्न होगा। लेकिन यदि उसमें कोई मिलावट की गई या फिर कुछ अन्य चीजें की गई तो उससे भी क्या होगा, उनके अंदर बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा, यानी उनके स्ट्रक्चर में, उनके संरचना में। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है कि मूली एक डाब होता है जो वो जरूरी है। आप इस प्रक्रिया को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जड़ों द्वारा होने वाला जो अवशोषण होता है, जैसे वो पानी को अवशोषित करता है, वो किस तरीके की प्रक्रिया है, यहाँ पर आकृति में देख सकते हैं कि जो जड़ें हैं वो किस तरह से मिट्टी के अंदर घुसी हुई हैं। और यहाँ पर आप मिट्टी के कण, मूल के या पानी, ये सभी चीज देखते हैं, और जड़ों के स्ट्रक्चर वाल्व और जलवाहिनियां कहाँ है, और जड़ें इस तरीके से यहाँ पर, ये जड़ों के भीतर का, ये जो आपको चौकोन एक बॉक्स दिख रहा है जड़ों के अंदर का, उनके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है, जलवाहिनी, वल्कुट, मिट्टी के कण, मूल केश, पानी। और वो इस तरीके से एक डायरेक्शन में आप एरो देख सकते हैं कि यहाँ से आप पानी को अवशोषित करती जमीन के भीतर से, और धीरे धीरे ऊपर 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 जाके जलवाहिनियां जो क्या होती है, ट्रंक के द्वारा, शाखाओं के द्वारा विभिन्न भागों में वो पानी को पहुंचाने का कार्य करती है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये जमीन के अंदर पानी व खनिज के संपर्क में रहती हैं। सांद्रता में होने वाले जो अंतर होते हैं उसके कारण वह पानी व खनिज जड़ों के पृष्ठभाग की कोशिकाओं में भी प्रवेश करते हैं, और इसके कारण ये कोशिकाएं उससे सटी हुई कोशिकाओं पर दाब का निर्माण करती हैं। और इस दाब को क्या कहते हैं, मूलीय दाब, यानी प्रेशर एक रिलीज होता है और जो जड़ों के ऊपर होता है, और ये जड़ें जो हैं वो जमीन पर इससे कसकर पकड़े रहती हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, मूलीय दाब। इस दाब के कारण पानी तथा खनिज जड़ों की जलवायु तक पहुंचती है तथा सांद्रता का अंतर मिटाने के लिए वह आगे ढकेले जाते हैं। और इस सातत्यपूर्ण हलचल द्वारा पानी का एक स्तंभ भी तैयार होता है, और यह दाब झाड़ियों, छोटी वनस्पतियों तथा छोटे वृक्षों में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। अगर प्रेशर नहीं होगा तो क्या वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। जैसे देखो, अगर एक पाइप में नीचे से ऊपर की तरफ अगर पानी, उसको भी दाब उसमें लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मोटर तो नहीं है, क्योंकि ये हम वनस्पतियों की बात कर रहे हैं और ये नेचुरल प्राकृतिक प्रेशर कैसे यहाँ पर बनता है। तो ये जो जड़े हैं उसकी, वो क्या करते हैं कि सांद्रता और इसके कारण जो खनिज है वो जड़ों की पृष्ठभाग की कोशिकाओं में वो चले जाते हैं, और वहां से वो क्या करते हैं कि वो एक प्रेशर का ये करते हैं, एक दाब का निर्माण करते हैं, जिसके और इसी मूली दाब कहते हैं, और जिसके कारण पानी, जो जड़ों में पानी रहता है उस पर एक प्रेशर जाता है और वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है। और छोटे छोटे जो झाड़ है, वृक्ष है या अन्य कोई फसलें हैं, उनमें ये बहुत कारगर साबित होता है। उसके बाद आता है एक प्रक्रिया, हमने देख ली वनस्पतियों की, वनस्पतियों में परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब हम दूसरी प्रक्रिया देखने जा रहे हैं वनस्पतियों की, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन, जिसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं या फिर ट्रांसपिरेशन इन पुल इन प्लांट भी बोल सकते हो आप। और ये भी आपने पढ़ा होगा शायद पहले, अगर देखा होगा कि किसी आपने पिछली कक्षा में एक प्रैक्टिकल शायद आपने देखा है आठवीं कक्षा में, कि अगर किसी वनस्पति की टहनी में अगर प्लास्टिक की थैली बांध दो, छोटी कोई झाड़ है उसमें थोड़ा सा प्लास्टिक का थैली बांध दो, तो उसका निरीक्षण करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, मैं बताती हूँ अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं अगर आपने किसी प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की थैली क्यों कहा गया है, क्योंकि प्लास्टिक की थैली एक ऐसी चीज है जिसमें से अगर उसको बांध दिया तो वो एक तरीके से एयरटाइट हो जाता है। एयरटाइट इन द सेंस कि बाहर से कोई हवा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, ना ही अंदर से कुछ बाहर जा सकता है, वो फुली पैक हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जैसे हमें पसीना होता है ना,
अगर बहुत गर्मी लगती है हमें तो हमें पसीना होता है, हमारे शरीर पर पानी की बूंदे ऐसे हमें दिखाई देने लगती है, माथे पर पसीना, हाथों में पसीना तो होता है। तो ठीक इसी तरह से झाड़ के जो पत्तियां हैं, जो उनका जो सरफेस होता है, पृष्ठभाग होता है पत्तियों का, आपको उसके ऊपर भी पानी की बूंदे या फिर आपको कुछ ऐसे वाष्प की तरह आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये इसे ही ट्रांसपिरेशन कहते हैं या इसे ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आकृति में कि खनिज है, पानी है, शर्करा और पानी, ये ऊपर गया, पतली परत, ऊतक, संरक्षण कोशिका में पानी कैसे जा रहा है और पत्तियों के ऊपर वो कैसे दिखता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वनस्पतियों में पत्तियों पर उपस्थित पर्णरंध्र, पर्णरंध्र जो होते हैं, आपको तो पहले पता होना चाहिए कि पर्णरंध्र कहाँ होते हैं, कि पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं और छोटे छोटे एकदम माइक्रो होल्स रहते हैं, छिद्र कह सकते हो, छेद होता है एकदम बारीक, एकदम छोटा, जो आपको निरी आंखों से तो नहीं दिखाई देगा, बट आप माइक्रोस्कोप में अगर हम उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें वो दिखाई देगा। और इसे ही क्या कहते हैं, पर्ण रंध्र, पर्ण मतलब पत्ती, रंध्र मतलब छिद्र, तो पर्ण रंध्र कहते हैं। तो ये पर्ण रंध्रों की सहायता से, जो ये पत्तियों के ऊपर पर्ण रंध्र होते हैं, पर्ण रंध्रों की सहायता से उसमें से पानी बाहर निकलता है। और पानी तो बाहर निकलता है, पानी निकलने के जो कारण है वो रंध्रों के द्वारा, उन छिद्रों के द्वारा वो उसमें से बाहर निकलकर एक वाष्प में रूपांतरित हो जाते हैं। हमें पता है कि यदि हीट देंगे किसी चीज को, या बाहर का सरफेस, बाहर का मौसम, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस या हवा उसे मिलेगी, तो वो क्या होगा, उन छिद्रों से वो बाहर निकलकर पानी का रूपांतरण वाष्प में हो जाता है। और वो पानी कहाँ से आएगा, जो वनस्पतियों की जड़ों ने उनके अंदर अवशोषित किया है, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो एक मूल दाब के प्रेशर से जब नीचे जड़ों से ऊपर पानी पहुंचेगा वनस्पतियों में, तो वो वनस्पति के हर हिस्से तक, भले वो फूल हो, पत्ती हो, शाखाएं हो, वो हर एक हिस्से तक उन पानी को, उस पानी को पहुंचाने का कार्य करते हैं जलवाहिनियां। जब जलवाहिनियां उस पौधे के हर एक हिस्से में पानी पहुंचाएंगी, तो जहां पर पर्णरंध्र उपस्थित होगा, जैसे कि पत्ती हुई, क्योंकि पत्तियों के ऊपर ही सिर्फ पर्णरंध्र पाया जाता है, और वो पर्णरंध्र जब वहां से पानी होगा, तो वो पर्णरंध्रों में से क्या होता है, वो पानी का रूपांतरण वाष्प में होकर वो बाहर निकलता है। और इसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं इसे। और यहाँ पर पर्णरंध्र के चारों ओर क्या क्या होता है, बगल में दो बाह्य आवरणीय कोशिकाएं होती है जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं पर्णरंध्रों के खुलने पर व बंद होने पर नियंत्रण करती हैं। पर्णरंध्र खुलते और बंद होते हैं, छिद्र जो होते हैं वो, और इन पर्णरंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, और इस क्रिया को वाष्पोच्छ्वास भी कहते हैं। पत्तियों में वाष्पीकरण की जो क्रिया है वो पानी वातावरण में उत्सर्जित होता है, और इस कारण जो पत्तियों के ऊपर से जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो उसको पानी वरण में तो उत्सर्जित करता है, और इस कारण जो पत्तियों की आपित त्वचा में पानी की जो मात्रा है वो कम कम होती जाती है, हमेशा क्या होती है, कम कम होती जाती है। पानी के इसी अनुपात को जो सही रखने के लिए जलवाहिनियों द्वारा पानी जो स्थित होती है वो पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, और इस प्रक्रिया को वाष्पोच्छ्वास की प्रक्रिया में जो पानी व खनिज को अवशोषित करने तथा उसके सभी भागों में पहुंचाने का जो कार्य होता है उसमें हेल्प करती है। और मूलीय दाब के परिणाम स्वरूप रात के समय जो है वो पानी ऊपर की ओर चढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये दूसरी प्रक्रिया हमने देख ली। पहली प्रक्रिया हमने कौन सी देखी, पहली वनस्पतियों में परिवहन, और दूसरी प्रक्रिया हम कौन सी देखने जा रहे हैं, देखा हमने वनस्पतियों में वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन फूल इन प्लांट। अब इसके बाद हम लोग इसके अलावा और कौन सी प्रक्रियाएं हैं हम वो देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद हम जो वनस्पतियों में
यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि वनस्पतियों में अन्य और अन्य पदार्थों का भी परिवहन होता है, ये भी उन्हीं कोशिकाओं द्वारा क्या होता है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्सर्जन जो है, उत्सर्जन है कि प्रत्येक जैसे कि अभी आप बोलोगे कि उत्सर्जन का मतलब तो सिर्फ प्राणियों में समझ में आता है या मनुष्यों में समझ में आता है, हम यहाँ पर वनस्पतियां कैसे उत्सर्जन कर सकती हैं, लेकिन वनस्पतियां भी उत्सर्जन करती हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उनका उदाहरण क्या क्या है और कैसे है कि जैसे यहाँ पर उत्सर्जन एक ऐसा पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं होती है, ये विषैले होते हैं, ये जहरीले होते हैं और ये निरुपयोगी होते हैं, ये वेस्ट मटेरियल है। जैसे हम मनुष्य जो है या प्राणी अन्य है वो सभी उत्सर्जन करते हैं, तो वनस्पतियों के अंदर भी कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो ऐसे निरुपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं जिनका निष्कासन करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा झाड़ जो है या पेड़ जो है वो खराब हो जाएगा, उसकी जो लाइफ है वो खराब हो जाएगी। इसलिए ये उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है ये होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि प्रत्येक घर में प्रतिदिन कूड़े कचरे तथा व्यर्थ पदार्थों का निर्माण होता है और अगर यह कचरा आपने अपने घर पर ही रहने दिया और कहीं फेंका नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कचरा सड़ने लगेगा, उसमें से बहुत सारा दुर्गंध आएगा और जिसके कारण क्या होगा, हम सभी बीमार पड़ने लगेंगे। तो ऐसा ही होता है कि यदि वेस्ट मटेरियल शरीर में बहुत देर तक रह गया बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होगा, विष फैल जाएगा या वो जहरीला होता है तो उससे क्या होगा कि पूरा जो पेड़ है पूरी वनस्पति वो खराब हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर उत्सर्जन वनस्पतियों में भी होता है और आवश्यक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे सदैव अनावश्यक या वह अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करना घातक है, इसलिए जिस प्रकार से जीव में उत्सर्जन की क्रिया होती है उसी तरह हमारे लिए भी अपने परिसर तथा घर के पक्षों का यूज निपटारा करना आवश्यक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैसेज दिया है आपको, और यहाँ सजीवों में अनेक अवांछित घातक पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया तैयार होती हैं, और यह पदार्थ अगर शरीर में संचित रहे तो वह शरीर में ज्यादा समय तक रहे तो गंभीर जो होता है वो गंभीर हानि पहुंच सकती है, जिसके द्वारा शरीर को बहुत सारी हानि हो सकती है। इसके नीचे है, हाँ ये सेकंड फ्लोर होती है। यहाँ पर यह पदार्थ अगर शरीर में संचित रहे इससे मृत्यु भी हो सकती है, तो इन घातक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के लिए अलग अलग सजीवों में जो है अलग अलग पद्धति होती है। मनुष्यों में उनका जो उत्सर्जन संस्थान होता है वो किडनी की सहायता से, किडनी आपने वो पढ़ा होगा पहले, उत्सर्जन की सहायता से, किडनी की सहायता से उत्सर्जन होता है और वहां पर उत्सर्जन की क्रिया पूर्ण होती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का उत्सर्जन तंत्र होता है जिसके द्वारा होती है। वनस्पतियों में ऐसा कोई अलग सा कोई एक उत्सर्जित तंत्र नहीं होता है, लेकिन इस अपशिष्ट तथा घातक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। एक कोशिकीय सजीवों में अपशिष्ट पदार्थ कोशिका के पृष्ठ भाग से सीधे बाहर विसर्जित होता है, जबकि बहुकोशिकीय सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया जो है वो जटिल होती है, जैसे मनुष्यों की है या प्राणियों की है। पौधों में उत्सर्जन एक्चुअली में होता कैसे है, यहाँ पर देख सकते हो विशिष्ट ऋतु में जो है वनस्पतियों के पत्ते झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वनस्पतियों के फल फूल कुछ समय के बाद झड़ जाते हैं? ऐसा हो सकता है कि अगर किसी पेड़ के ऊपर कोई फूल लगा है तो वो हमेशा साल के 12 महीने वो फूल अगर ना तोड़े तो वैसा ही रहेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो फूल अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो कुछ समय के पश्चात 1-2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो अपने आप क्या होगा, सूख जाएगा और झड़ जाएगा। और
गोंद जैसे पदार्थ की भी वनस्पतियों के शरीर से उत्सर्जन ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वनस्पतियों की उत्सर्जन क्रिया प्राणियों के उत्सर्जन क्रिया की अपेक्षा बहुत सरल होती है, और वनस्पतियों में बाहर निकाले जाने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसके लिए कोई विशेष उत्सर्जक अवयव यानी कोई अलग अंग या तंत्र नहीं होता है या कोई संस्था भी नहीं होती है, और जिसके कारण विसरण क्रिया द्वारा गैसीय पदार्थ बाहर निकलते हैं। विसरण मतलब डायरेक्ट, और वनस्पतियों में बहुत से बाहर फेंके जाने वाले पदार्थ उनकी पत्तियां, पत्तियों की रिक्तिका यानी पत्तियों की कोशिका जो होती है उसके भीतर रिक्तिका पाया जाता है, फूल फल व तने की छालों में संग्रहित होते हैं। कुछ समय बाद वे अवयव झड़ जाते हैं। क्यों झड़ जाते हैं वो भी देख लो। वह व्यर्थ पदार्थ राल व गोम के रूप में जीर्ण जलवाहिनियों में संग्रहित किए जाते हैं। वनस्पतियां अपनी जड़ों द्वारा भी अपने आसपास की जमीन में व्यर्थ पदार्थ उत्सर्जित करती है, जमीन के अंदर भी वो उत्सर्जन करते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, आपने कभी देखा भी होगा घर में, तो जैसे जब अपने घर में मम्मी जब सूरन की सब्जी या आरुई के पत्ते, अरवी के पत्ते पता है ना, वो हार्ट शेप में बड़ा सा ग्रीन कलर का पत्ता होता है, अरवी बोलते हैं जिसको, तो उसके पत्तों को जब काटती है या सूरन को, तो क्या होता है? आप कभी ध्यान से देखा, आपने देखा होगा, तो क्या होता है कि उसमें से कुछ वाइट वाइट कलर का कुछ लिक्विड निकलता है जो कि चिपचिपा होता है और हाथों को चिपकता है और अपने हाथ में खुजली भी होने लगती है। सूरन को तो खाने के बाद भी खुजली होती है, अरवी को खाने के बाद भी खुजली होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि उनके अंदर जो वो अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल वो एक तरीके से सब्जियों को या फिर हम अच्छी तरीके से अपने हाथों को ग्लव पहनकर या कुछ करके भी काट सकते हैं। कुछ वनस्पतियों में अवशिष्ट द्रव्य कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्फटिक के रूप में होती है, उन्हें राइफेड से कहा जाता है। जैसे गोंद जो होता है, जैसे जैसे बबूल का गोंद जिसके लड्डू भी खाते हैं और बहुत सारी औषधि बनाई जाती है, ढेर सारी औषधियों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर रबड़ भी जो होता है, रबड़ उसका भी जो पेड़ है वो भी एक वेस्ट मटेरियल ही है, वो भी पेड़ों की छालों पे से पाया जाने वाला एक पदार्थ है जो कि उस पौधों का उत्सर्जन ही है वो। और इसके अलावा राल, राल गोंद रबड़ ये सब पौधों की छालों से जो उत्सर्जित होते हैं, पौधों के अंदर से जो पदार्थ उत्सर्जन पदार्थ या उनका मल कह सकते हो या अवशिष्ट पदार्थ कह सकते हो, वहां से ही उत्पन्न होता है। तो हम लोग पत्तों का झड़ना, फूल का झड़ना, ये सभी क्या है, उनका उत्सर्जन है। ये अनुपयोगी गैसों का उन गैसों को मुक्त करते हैं या फिर अवशिष्ट पदार्थों को रिलीज करते हैं, कैसे, गोंद के रूप में, रबड़ के रूप में या फिर अन्य किसी तरल पदार्थ के रूप में, जो जैसे कि मैंने आपको बताया सूरन और अरवी को काटते समय जैसा होता है। तो ये सब अपशिष्ट पदार्थ हैं जो उत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो वनस्पतियों में होने वाला उत्सर्जन, उसके बाद हम यहाँ पर मानव में होने वाला उत्सर्जन भी शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर कि मनुष्य हमारे शरीर में उपापचय क्रिया द्वारा कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ तैयार होते हैं, मानवीय शरीर में उत्सर्जन क्रिया किस प्रकार होती है, वो हम लोग अभी देखेंगे कि मानव शरीर में विविध क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अलग अलग इंद्रिय स्थान कार्यरत होते हैं, जैसे भोजन के लिए पाचन संस्था, श्वासोच्छ्वास के लिए श्वसन संस्था। हमारे शरीर में भोजन का पाचन व उससे ऊर्जा की निर्मित होती है, उस समय शरीर में विविध अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए निकालना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए उत्सर्जन संस्थान कार्य करता है। जैसे मानवीय उत्सर्जन संस्थान में वृक्क की जोड़ी क्या क्या होता है उत्सर्जन के लिए, वृक्क यानी पैर ऑफ किडनी, किडनी मूत्रवाहिनी की जोड़ी, मूत्राशय, मूत्रोत्सर्जक नलिका, ये सभी
जो चारों अंग है इनके द्वारा क्या होता है, मनुष्यों में उत्सर्जन होता है। इसके आगे हम लोग देख सकते हैं अगले लेक्चर में। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वनस्पति प्राणियों में या सजीवों में होने वाली जीवन प्रक्रियाएं। सजीवों में जीवन प्रक्रियाओं के अंदर हमने पहले वनस्पति की जीवन प्रक्रियाएं पढ़ी। वनस्पति की जीवन प्रक्रिया में हमने क्या पढ़ा, तीन जीवन प्रक्रियाएं पढ़ी वनस्पतियों की। सबसे पहले तो हमने वनस्पतियों में परिवहन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है वनस्पतियों में, तत्पश्चात हमने वनस्पतियों में होने वाला उत्सर्जन भी देखा, और उसके बाद में हमने मानव में होने वाले उत्सर्जन कैसे होते हैं उसका भी शुरुआत की। आपको मैं यहाँ पर उत्सर्जन मानव में होने वाले उत्सर्जन संस्थान की एक इमेज दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है उत्सर्जन संस्था, मानवीय उत्सर्जन संस्था। यहाँ पर वृक्ष तो यहाँ पर दो वृक्ष देख सकते हैं, एक वृक्ष दाहिनी तरफ है जो किडनी शेप में दिख रहा है, आप किडनी ही कहते हैं इसे, सेम के बीच का आकार या काजू के शेप में होता है। यहाँ पर एक एक दाहिने तरफ है, एक बाएं तरफ है, और वो उन किडनिया वो किडनिया एक ट्यूब से पतली दो ट्यूब से जुड़ी हुई है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, और वो किससे जुड़ी हुई है, मूत्राशय से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो कि मूत्राशय में ही क्या होता है, मूत्रोत्सर्जक नलिका होती है, और ये सभी किससे जुड़े हुए होते हैं, अधोशिरा से। यहाँ पर दो आपको इस तरह से दिख रहा होगा, पर्पल और रेड कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, दो ऐसे पाइप जैसे जिससे किडनी जुड़ी हुई है, ये अधोशिरा कहते हैं। और सिर्फ किडनी कैसे दिखती है, सिर्फ किडनी ऐसे दिखती है या सिर्फ वृक्ष ऐसे दिखता है। यहाँ पर ये वृक्ष का टीएस है, आप इसे सेक्शन करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में, ये अंदर से इस तरीके से दिखता है, ये संपुट है। यहाँ पर वृक्ष का पिरामिड, उसके बाद में वृक्ष धमनी, वृक्ष शिरा, मूत्राशय की ओर जाने वाली वाहिनियां, संपुट, मूल कलश और बाह्य अंग, ये इस तरीके से होता है। इसके आगे का जो भी है कि एक्चुअली उत्सर्जन होता कैसे है, इन सभी अंगों के द्वारा हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज मैंने जो कुछ पढ़ाया वो सब आपको समझ में आ गया है क्या, नहीं आया तो जिसको जो भी डाउट है वो पूछ सकता है। ये सजीवों में और किस तरीके का जीवन प्रक्रियाएं हैं प्राणियों में, हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हमने देखा सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्राणियों की जीवन प्रक्रियाओं पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिसमें हमने तीन जीवन प्रक्रियाएं देखी, परिवहन, वाष्पोत्सर्जन और उत्सर्जन। इसमें से जिसको जो भी समझ में नहीं आए, किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। हो गया सर? ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ कि सजीवों में जो भी जीवन प्रक्रियाएं हैं वो, उसमें से हमने सिर्फ प्राणियों की जीवन प्रक्रियाएं पढ़ी, और आज हमने क्या देखा, प्राणियों के सॉरी वनस्पतियों के अंदर मूल जो भी जीवन प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि वनस्पतियों में परिवहन, वनस्पतियों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, और साथ ही साथ वनस्पतियों में उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये तीनों प्रक्रियाएं हमने आज पढ़ी उदाहरण के साथ। और आगे का जो भी है मानव में होने वाला उत्सर्जन या मनुष्य में होने वाले अन्य जीवन प्रक्रियाएं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।